दोस्तों, अगर पाकिस्तान और चाइना के बाद भारत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है टर्की। हाँ दोस्तों, वही टर्की जो हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करते आया है। आखिर टर्की कश्मीर में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पास्ट में बात करें तो इंडिया और टर्की के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा से टर्की के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए थे, क्योंकि टर्की एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका था और टर्की जब अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब इंडिया ने उसे फाइनेंशियल मदद भी दिया था और महात्मा गांधी ने भी प्रथम युद्ध के दौरान टर्की पर हो रहे अत्याचारों पर आवाज उठाई थी। इंडिया ने हमेशा टर्की का साथ दिया है। हाल ही में टर्की में हुए भूकंप में भी भारत ने टर्की को मदद भेजी है। इंडिया में देखें तो टर्की के संबंध इंडिया के साथ अच्छे तो थे ही, मगर पाकिस्तान के साथ कुछ ज्यादा ही भाईचारा था, बिकॉज पाकिस्तान और टर्की एक इस्लामिक देश है। तो अगर पाकिस्तान के संबंध इंडिया से खराब है तो पाकिस्तान का भाई टर्की इंडिया से अपने संबंध अच्छे कैसे रख सकता है? साल 2019 में इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया जाता है। हैकर ने प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इमरान खान का फोटो लगा दिया था और बायो में लव पाकिस्तान लिखकर साइड में टर्की का फ्लैग लगा दिया था और बैक टू बैक भारत के खिलाफ पोस्ट किए जा रहा था। वैसे अकाउंट तो एक घंटे में रिकवर हो गया था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो इस हैकिंग के पीछे एक टर्किश हैकिंग ग्रुप आई इल्दीस टीम का हाथ था। और जब ये हैकिंग की गई थी उसी समय पाकिस्तान के हैकर्स टर्की के दुश्मन देश यूएई के इम्पोर्टेंट ट्विटर अकाउंट को हैक कर रहे थे। पाकिस्तान और टर्की दोनों भाई मिलकर एक ही समय पर इस हैकिंग को अंजाम दे रहे थे और आगे जाकर टर्की के एक मिनिस्टर ने यह एडमिट भी किया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक साइबर आर्मी बना रखी है जिसका मेन पर्पस था सोशल मीडिया के थ्रू भारत के खिलाफ जहर उगलना। और दूसरी तरफ टर्की ने एक और प्लान चला के रखा था जिसके तहत वह खुद के देश में कुछ न्यूज चैनल के लिए कश्मीर और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हायर कर रहा था, जिसमें वह जर्नलिस्ट भारत के खिलाफ दबाकर जहर उगलते थे और जो जर्नलिस्ट इस काम को अच्छे से कर लेता था तो टर्की उन्हें खुद के देश की सिटीजनशिप ऑफर करता था। पीछे पीछे तो भारत के खिलाफ टर्की और पाकिस्तान का साइबर गेम चल रहा था और दुनिया के सामने टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जाकर कहते हैं कि कश्मीर हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पाकिस्तान। इस वक्त कश्मीर भी हमारे लिए वही है जो आपके लिए था। इतना होने के बावजूद भी इंडिया टर्की से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इंडिया टर्की से उसके बैरकतार ड्रोन्स को खरीदना चाहता था, लेकिन टर्की ने देने से साफ मना कर दिया कि ये कह के कि हम ये ड्रोन सिर्फ ब्रदरली नेशंस को ही देते हैं। और टर्की भारत को डिफेंस सेक्टर में मदद क्यों करेगा जब वो खुद पीओके में उतरने का प्लान कर रहा है? जी हाँ, आपने सही सुना, टर्की अपने प्राइवेट आर्मी सदात के लड़ाकों को पीओके भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसने उन लड़ाकों को $2,000 दिए हैं। अब सवाल आया कि आखिर टर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? तो इसका मेन रीजन है, टर्की का प्रेसिडेंट एर्डोगन खुद को इस्लामिक दुनिया का नया खलीफा बनाना चाहता है, इसलिए वह हमेशा से जिहादियों को सपोर्ट करता आया है। जब पूरी दुनिया इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के साथ लड़ रही थी तब वह उनसे तेल खरीद रहा था। आज दुनिया में इस्लाम धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है और जो कट्टर इस्लामी देश है उनका उद्देश्य है पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना और इस पर टर्की बहुत तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और टर्की के इस स्ट्रेटजी के खिलाफ भारत की क्या स्ट्रेटजी है, हम इस पर एक वीडियो जरूर लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।